जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे काजू स्वीट्स में बटरस्कॉच रोल, जो बहुत आसानी से कम समय में आप घर पे बना सकते हैं और हर त्योहारों में इस मिठाई को आप इंजॉय कर सकते हैं। बटरस्कॉच रोल बनाने के लिए चाहिए हमको 100 ग्राम यानी 1 कप पीसे हुए काजू, आधा कप बारीक पीसी हुई शक्कर, 2 टीस्पून कोको पाउडर, 1/4 टी कप पानी, 1 टीस्पून पिस्ता फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून बटरस्कॉच एसेंस, 1/2 टीस्पून घी, 2 चांदी के वर्क। बटरस्कॉच रोल बनाने के लिए काजू पाउडर लेंगे हम 1 कप। काजू को आप मिक्सर में पीसते समय थोड़ा ध्यान रखें, काजू का तेल ना निकाल दें, धीरे धीरे रुक रुक के पीसें। 1/2 कप पीसी शक्कर, 1/4 कप पानी, सबको मिला के आधा घंटा छोड़ दें, जिससे काजू फूल जाएंगे और शक्कर पिघल जाएगी। इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। आधे घंटे बाद हम आगे का मेथड करेंगे। काजू, शक्कर और पानी हमने मिलाया था, इसको अब हम अच्छे से सिकाई करेंगे। गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। बर्तन हम थोड़ा मोटा यूज़ करें, काजू हमारे नीचे नहीं चिपक जाए। कढ़ाई छोड़ने तक आप हिलाएंगे इसको। काजू के मिक्सर को गाढ़ा होने तक हमने चलाया। आंच आप मीडियम भी रख सकते हैं और स्लो भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि काजू कढ़ाई में नीचे चिपकनी चाहिए। बटरस्कॉच रोल का काजू का मिश्रण हमारा गाढ़ा हो गया है, पूरा एक गोला बन गया है। काजू के मिश्रण ने कढ़ाई छोड़ दी है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। प्लास्टिक पे हमने जरा सा घी लगाया और सिके हुए काजू के मटेरियल की एक गोली ली हमने। ये नरम नरम गोली बने तो आपका हो गया है। यदि आपके हाथ में चिपक रहा है तो आपकी सिकाई कम है, थोड़ी सिकाई ज़्यादा लें। और यदि इसमें दरार आ रही है तो इसमें थोड़े से पानी के छींटे डालें आप, कि आपने ज़्यादा सेक लिया है। सिके हुए काजू के मटेरियल में थोड़ा सा घी लेके अच्छे से इसको मसल ले, स्मूथ कर ले, रोटी के आटे जैसा कर ले, अच्छा सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके दो हिस्से करेंगे। एक हिस्से में हम डालेंगे 1 टीस्पून पिस्ता फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून बटरस्कॉच एसेंस, और इसके दूसरे हिस्से में डालेंगे हम 2 टीस्पून कोको पाउडर। अच्छे से मिला लीजिए।
यदि आप कलर यूज़ करना चाहे तो लेमन येलो कलर बटरस्कॉच का आप डाल सकते हैं इसमें, और वाइट भी रख सकते हैं। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। कोको पाउडर को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये भी हमने अच्छे से मिला लिया। प्लास्टिक पे हम घी लगाएंगे और जो कोको पाउडर वाला हमारा मिश्रण है उसको हम लंबा लंबा बेल लेंगे। कोको पाउडर मिलाने से यदि आपका मिश्रण ड्राई हो रहा है तो 2 बूंद पानी की आप डाल सकते हैं इसमें। दूसरा भाग हिस्सा ले लेंगे जिसमें हमने पिस्ता फ्लेक्स डाले हैं, उसका लंबा रोल बनाएंगे हम। ये सेंटर में रख दिया हमने रोल, ऊपर हमारा कोको पाउडर का कवर कर लिया हमने। अच्छे से इसको कर लीजिए गोल रोल, फिर हम ऊपर वर्क लगाएंगे। अच्छा टाइट रोल बनाइए। अब हम इसमें चांदी का वर्क लगाएंगे। आधा एक घंटा इसको सेट होने देंगे, फिर हम इसकी पीसेस करेंगे। ये आधा घंटा हमने सेट किया है बटरस्कॉच रोल को। अब हम इसके आधे आधे इंच के पीसेस करेंगे। अभी दिवाली भी आ रही है तो दिवाली पे आप इसको बना सकते हैं। हमारे काजू के बटरस्कॉच रोल तैयार है। यदि आपको हमारी पेस्ट रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।